हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केशव है। ये नया साल एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंडिकेट बैंक पीओ ने अपनी एक वैकेंसी निकाली है जिसमें 500 सीट की वैकेंसी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रेशियो लें नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड, तो ये एक बहुत छोटी सी रेशियो होगी। और आप लोगों को इन 2 लाख, कम से कम मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 2 लाख से कम्पीट करना होगा, बिकॉज बहुत 500 वैकेंसी है। और देखा जाए तो इंटरव्यू के लिए 500 × 4 2000 को कॉल किया जाएगा। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई। सो गाइज, अब सिर्फ एक मंथ बचा है और नेक्स्ट मंथ 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का। तो ये बहुत कम टाइम है, एक मंथ आपको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है और वेरी इफ़िशियंटली यूटिलाइज़ करना है। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये एक मंथ को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे प्लान किया जाए, कैसे प्रिपेयर किया जाए एग्ज़ाम के लिए। सो टुडे आई विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम वेरी इफ़िशियंटली इन अ वेरी प्रॉपर मैन। तब गाइज, हम लोग आगे देखते हैं कि अब हमें इस एक महीने में क्या करना है। तो मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि हमें इस एक महीने में फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट है एग्ज़ाम पैटर्न। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस, क्या क्या टॉपिक है, क्या कौन क्या क्या क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और दूसरी पॉइंट है कंप्लीट सिलेबस। एक सिलेबस होती चाहिए, जैसे इसमें 4 सेक्शंस हैं, जैसे रीजनिंग हो गए, क्वांट हो गए, इंग्लिश हो गए और जनरल अवेयरनेस। तो इन चारों सेक्शन के क्या क्या सिलेबस होंगे ये सब हमें पता होने चाहिए। तो और लास्ट ईयर के कट ऑफ कितने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस ईयर के क्या होंगे वो डिसाइड करेंगे और वो हमारा टारगेट होगा। और उस टारगेट को कैसे अचीव करें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा पॉइंट, अब पांचवा और छठा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड द मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छी लेवल की तैयारी करवाएगी और मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा। और उस मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आपको किस किस सेक्शन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ये सब आपको मॉक टेस्ट के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं हर पॉइंट्स को सेपरेटली अलग अलग तरीके से बताऊंगा और हर पॉइंट को बताऊंगा। चलते हैं हम आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि यहाँ पे हमें सबसे एग्ज़ाम पैटर्न, पहला पॉइंट हमारा था एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, तो एग्ज़ाम पैटर्न में हमको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने सेक्शन है, रीजनिंग है, क्वांट एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तो रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स इट विल कैरी 50। क्वांट में भी 50 क्वेश्चंस होंगे और इट विल कैरी 50 मार्क्स। इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चंस एंड इट विल आल्सो कैरी 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस आल्सो विल हैव 50 क्वेश्चंस एंड इट विल आल्सो कैरी 50 मार्क्स। सो देयर विल बी अ टोटल 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड इट विल बी ऑफ 200 मार्क्स। ओके, सो इट इज, सो देयर विल बी अ नॉट सेपरेट टाइम, इट विल बी अ कंपोजिट ऑफ 2 आवर्स। मीन्स सेपरेट टाइम नहीं होगा, किसी भी सेक्शन वाइज सेपरेट टाइम नहीं होगा। आपको टोटल 2 आवर्स दिए जाएंगे और आप अकॉर्डिंगली अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन 2 आवर्स को। और नेक्स्ट सेक्शन आएंगे एग्ज़ाम 2 आवर्स के बाद, आपको एक डिस्क्रिप्टिव एक टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। मीन्स पहला क्वेश्चन होगा एसे राइटिंग का और सेकेंड क्वेश्चन होगा लेटर राइटिंग का। ओके, दोनों क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स कैरी करेंगे, आपको टाइम दिए जाएंगे 30 मिनट का। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें देखते हैं हम लोग सिलेबस देखेंगे अब। ओके, तो मेरा पहला है रीजनिंग पोर्शन। ओके, रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है वो हम देखेंगे। सॉरी, तो गाइज अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जो कि है रीजनिंग सिलेबस। ओके, तो रीजनिंग सिलेबस में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब मीन्स 2017 में जब एग्ज़ाम हुई थी, तो ये 3 टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, रैंकिंग डायरेक्शन, इन तीनों को सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन आए थे। ओके, सो इट मीन्स टोटल हो गए 15 क्वेश्चन। ओके, मीन्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन। फोर्थ वन इज द ब्लड रिलेशंस, इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। सेटिंग अरेंजमेंट्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। पजल
जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। मशीन इनपुट आउटपुट में से भी 5 क्वेश्चंस आए थे। लॉजिकल रीजनिंग से मोस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस सेक्शन, दैट इज 13th, ओके 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस केम फ्रॉम दिस। लास्ट इज डाटा सफिशिएंसी, इसमें से भी 5 क्वेश्चंस आए थे, टोटल 15 क्वेश्चंस हुए थे। ओके सो इच ये लास्ट ईयर के हैं। ओके दोस्तों सो अब चलते हैं हम लोग क्वांट सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्वांट में क्या क्या आए थे लास्ट ईयर में। ओके तो लास्ट ईयर में देखा जाए तो नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन आए थे, जो कि नंबर सीरीज दो तरह के, एक मिसिंग होते हैं एक रॉन्ग होते हैं। तो मिसिंग वाले से आए थे 5 नंबर के क्वेश्चंस। अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही ईजी टॉपिक है जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। और डाटा इंटरप्रटेशन मीन्स डाटा इंटरप्रटेशन से 5 क्वेश्चंस आए थे, सॉरी फोर डाटा इंटरप्रटेशन आए थे जिसमें 20 क्वेश्चन थे। इच डाटा इंटरप्रटेशन कंटेन 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके डाटा सफिशियंसी से 5 नंबर के क्वेश्चन थे। और मिसलेनियस मीन्स हो गए जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज एजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ऑल दिस कंटेंस 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके सो टोटल 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे यहाँ से, जिसमें से डुएबल बहुत ही ईजी थे। अप्रॉक्सीमेशन, डाटा इंटरप्रटेशन जो कि जिसमें 4 क्वेश्चन थे, जो कि 2 जो क्वेश्चंस होते हैं वह बहुत ही ईजी होते हैं। डाटा सफिशेंसी बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे। और नंबर सीरीज में 5 में से 3 जो थे बहुत ही ईजी थे, जो कि अप विद इन विद इन अ मिनट कर सकते थे उसको। ओके अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में है इंग्लिश सिलेबस। ओके इंग्लिश में क्या क्या लास्ट ईयर में क्या क्या आए थे। ओके तो इंग्लिश में जो थे टोटल नंबर ऑफ 6, ओके 6 सेक्शन थे। ओके 6 सेक्शंस, ओके सॉरी 7, ओके 7 सेक्शन थे। तो पहला था रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसमें से टोटल नंबर 1 कम्प्रीहेंशन आया था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 10। सेकेंड इज क्लोज टेस्ट, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, इसमें से थे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन। पैराजम्बल में 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। सेंटेंस एरर में 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक, जो कि डबल फिलर थे, एक होते हैं सिंगल फिलर जिसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, लेकिन इसमें डबल फिल इन द 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे। ओके तो इसमें से 5 क्वेश्चन थे। ओके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कैरी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो कि 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे। ओके दोस्तों और ऑड वन आउट मीन्स you have to find there will be a 4 sentence, you have to find one odd one, okay, which will not fit in that paragraph, okay, usme se the 5 number of questions, okay. ab hum log chalte hain next section mein, jo ki dekhenge ab hum log last year ke cut off, okay. last year ke cut off hi bahut important rakhte hain, last year ke cut off hi hum log ko batate hain ki kya kaise hum log ko taiyari karna hai. okay dosto to chal dekh तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ आए थे। ओके कितने कट ऑफ आए थे, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देखें तो 103.25 कट ऑफ थे। ओके और शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के थे 88.75, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए थे 76.75, ओबीसी के लिए थे 100। ओके और इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ भी आए थे। ओके सेक्शनल कट ऑफ थे 15.5, 14, 4.50, ओके 8.25 एंड 9.25। ओके ये सब थे रिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ। ओके अनरिजर्व कैटेगरी के थे रीजनिंग में थे 19.50, इंग्लिश में थे 7.75, जनरल अवेयरनेस के थे 12.25 और क्वांट एप्टीट्यूड के थे 12.75। दोस्तों मैंने प्रीवियसली जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया नहीं कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछते हैं। ओके तो जनरल अवेयरनेस में दोस्तों 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, ओके बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, दो मिनिमम 3 मंथ्स के, ओके यू हैव टू गो ऑल थ्रू द करंट अफेयर्स ऑफ 3 मंथ्स। ओके 3 महीने के करंट अफेयर्स आपको बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, और बाकी जो है स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। स्टैटिक जनरल अवेयरनेस मीन्स हो गए जैसे कैपिटल करेंसी, रिवर्स, स्टेडियम्स एंड ऑल दिस थिंग्स कम्स इन द स्टैटिक अवेयरनेस। ओके सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस ऑल्सो, इट विल देर फ्रॉम स्टैटिक अवेयरनेस देर विल बी अ 15 क्वेश्चन एंड फ्रॉम बैंकिंग करंट अफेयर्स इट विल हैव टोटल 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ओके दोस्तों सो यू हैव टू
prepare for the general awareness also, because it is a very scoring and the deciding factors. Okay, deciding factor means ये आपको rank दिलवाएंगे. Okay, कितने आप जो हैं, एक तो marks ले आएंगे three sections. Okay, reasoning, English और quant से आप जितने marks ले आएंगे, और general awareness आपको जो है वो बहुत ही help करेंगे आपको rank को improve करने में. Number means आप जितने general awareness में जितने number ज़्यादा लाएंगे, आपके rank उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे और आपके selection होने की opportunity भी बहुत ही अच्छी होगी. Okay, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. नेक्स्ट सेक्शन में हमें देखना है कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं. ओके, टू क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन वी हाउ मच मार्क्स वी शुड गेट एंड हाउ टू, सो देयर विल बी अ 120 मिनट्स. ओके, हम लोग को 120 मिनट दिए जाएंगे और इस 120 मिनट को कैसे फुल यूटिलाइज करें वो हमें देखना है. और जो इस 120 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा उसका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों. ओके, तो सबसे पहला पार्ट है रीजनिंग. ओके, रीजनिंग में हम लोग 35 टू 38 मिनट्स देंगे. ठीक है, 35 टू 38 मिनट्स दे रहे हैं तो हमें 1 मिनट पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही होंगे. ओके, सो 35 टू 38 मार्क्स हमें लाना पड़ेगा. ओके, एंड क्वांट में अगर हम 40 टू 45 मिनट्स दिए. ओके, 40 टू 45 मिनट्स दे रहे हैं तो हमें 30 टू 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है. कंपलसरी है दोस्तों. ओके, तो और फिर नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश. ओके, इंग्लिश में है अगर हम लोग 25 टू 28 दे रहे हैं. ओके, 25 टू 28 मिनट्स दे रहे हैं तो हमें 25 टू 28 मार्क्स लाना है. ओके दोस्तों, तो देखो मतलब अगर देखा जाए तो मैं इसलिए ये रेंज इसलिए लिखा हूँ कि हो सकता है किसी का रीजनिंग स्ट्रांग हो, किसी का इंग्लिश वीक हो. ओके, और किसी का इंग्लिश स्ट्रांग हो और किसी का रीजनिंग वीक हो, और या किसी का क्वांट वीक हो, क्वांट स्ट्रांग हो. ओके, तो जिसका क्वांट स्ट्रांग है वो उस सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे. ओके, सो और जिसका रीजनिंग वीक है वो उस सेक्शन में कम टाइम दे, और एक सिक्योर्ड मार्क, एक सिक्योर्ड मार्क जो कि होता है एवरेज मार्क्स. ओके, सो एवरेज मार्क्स आई थिंक देयर विल बी अ 30. ओके, 30 मार्क्स जो कि एक एवरेज मार्क्स होते हैं सबके, तो वो सब ला सके. मींस 27 टू 30 मार्क्स. ओके, 27 टू 30 मार्क्स जो कि रीजनिंग में एवरेज होते हैं, जो कि हर कोई लाते हैं. ओके, तो ये आपको लाना पड़ेगा जो कि जिनका रीजनिंग वीक है उनके लिए भी. ओके, क्वांट के लिए हो गया. ओके, 32 टू 35 मार्क्स लाना है. इंग्लिश में हो गया 25 टू 28 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस जो कि बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है. ओके, जिसमें आप 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स याद कर लीजिए, और उन 3 मंथ्स के अलावा एक स्टैटिक अवेयरनेस, स्टैटिक जीके याद कर लीजिए. ओके, स्टैटिक जीके. ओके, इसके अलावा आपसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा. ओके दोस्तों, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आएगा. सो दोस्तों, ये दो टॉपिक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो कि 3 मंथ्स के पढ़ लीजिए, आपको 35 टू 38 मार्क्स लाने से कोई नहीं रो सकता. ओके दोस्तों, सो टोटल यू हैव टू गेट 135 टू 141 मार्क्स. ओके, बट आप लोग सोच रहे हैं कि तो लास्ट ईयर तो 103 मार्क्स ही कट ऑफ आए थे जनरल अनरिजर्व्ड के लिए. ओके, लेकिन दोस्तों फाइनल कट ऑफ देखा जाए, फाइनल कट ऑफ देखा जाए तो 60% होते हैं. ओके, फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के बाद 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे. ओके, तो 103 मार्क्स ले आइएगा आप, और आप जस्ट कट ऑफ क्लियर करिएगा तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है. आपको कट ऑफ से कम 20 टू 25 मार्क्स ज़्यादा लाना ही पड़ेगा. ओके दोस्तों, सो 135 से 140 का टारगेट हमें लेके चलना ही पड़ेगा. और कैसे इस टारगेट को अचीव किया जाए दोस्तों, मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे हर सेक्शन की तैयारी किया जाए. ओके, रीजनिंग में जैसे हो गए, कैसे हम 35 टू 38 मार्क्स लाए, कैसे सेक्शन वाइज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा. सेक्शन वाइज जैसे सिलोगिज्म हो गए और पजल्स हो गए, सेटिंग अरेंजमेंट हो गए, ऐसे मैं आपको हर चीज़ के डिटेल्स एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस टॉपिक को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 35 टू 38 मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों. हर सेक्शन में बताऊंगा, क्वांट में भी मैं बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा, जनरल अवेयरनेस में भी बताऊंगा दोस्तों. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर द जनरल फॉर इच सेक्शन एनालिसिस. ओके, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में.
नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट स्लाइड में है प्रैक्टिस एंड द मॉक टेस्ट। ओके, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस में जैसे हो गया किस बुक से प्रैक्टिस करें, ओके मतलब नंबर जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके दोस्तों, और मॉक टेस्ट जितना आप मॉक टेस्ट सब मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये एक होते हैं आपकी प्रैक्टिस, जैसे एग्ज़ाम में आप कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ओके, मान लीजिए टफ पेपर आ गए, ओके दोस्तों, तो टफ पेपर आ गए तो आप उस एग्ज़ाम में कैसे नर्वस नहीं फील करोगे और कैसे उस कंडीशन को हैंडल करोगे, वो सब आपको एक मॉक टेस्ट में पता चलता है दोस्तों। ओके, सो बुक्स टू प्रीफर, ओके हर बुक क्या कौन से बुक प्रीफर करना चाहिए मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ओके, मॉक टेस्ट आप डेली दें, डेली दोस्तों मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, और उस मॉक टेस्ट देने के बाद सिर्फ छोड़ नहीं देना है दोस्तों। ओके, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हर क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ओके, सो एनालाइजिंग मीन्स नो, आप अपने उस जब आप एनालाइज कीजिएगा तो आप अपना देखिएगा कि आपका वीक सेक्शन कौन है, किस में आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, किस में कौन सा आपका स्ट्रांग है, किस में आप हर टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जो आपके वीक सेक्शन है उनको प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा, और उसको स्ट्रांग कीजिए दोस्तों। ओके, और जो आपका स्ट्रांग है उसको तो आप मतलब ये स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देना उसको दोस्तों। ओके, उसको स्ट्रांग है तो उसको स्ट्रांग बनाए रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं हर क्वेश्चन में, आप सबसे पहले ये देखें टाइम, हर क्वेश्चन में आपने कितने टाइम दिए। ओके दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपने जितना टाइम दिया है वो नोट कीजिए कितना टाइम दे रहे हैं, मतलब आपके पास 120 मिनट है और आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो 120 मिनट यानी 200 क्वेश्चंस, तो आपको मतलब तो 135 मार्क्स लाने के लिए 135 मार्क्स विथ एक्यूरेसी ऑफ 100% अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और आपको पता है आपका एक्यूरेसी 100% हो नहीं सकता है, ये ज़्यादा 90% मान के चलते हैं कि 90% होंगे, तो आपको कम से कम 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो 150 क्वेश्चंस इन 120 मिनट्स इज़ अ वेरी टफ जॉब। ओके, तो आपको इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और वो आपको पता चलेगा आपके टेस्ट में आप कितने एक क्वेश्चन पे कितने टाइम दे रहे हैं, और अगर आप नोट करते जाए कि अगर जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको नोट करें और उसको रिड्यूस करें। ओके, थिंक एंड प्रैक्टिस, ओके थिंक एंड प्रैक्टिस, ओके टू रिड्यूस द टाइम। ओके, एंड शॉर्ट ट्रिक्स, उसके लिए क्या है शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करें। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है। ओके दोस्तों, तो उस शॉर्ट ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, और मॉक टेस्ट देते रहें। ओके, और उस मॉक टेस्ट से आप रिपीट मत करें। ओके, रिपीट मत करें उस एग्जाम अगले मॉक टेस्ट में, और वो आपको मेंस में बहुत हेल्प करेगा, मेन एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सो दोस्तों, लास्ट मेरा यही है कि कॉन्फिडेंट रहे। ओके, कॉन्फिडेंट रहे और प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों। ओके, कॉन्फिडेंट ही आपको एक सक्सेस तक पहुंचाएगा। ओके दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को। थैंक यू एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक।